अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। कदीम शहर नांदेड़ के देगलू नाके के इलाके में आज अल खसवा टूर्स एंड ट्रैवल्स का इफ्तिताह अमल में आया। नांदेड़ शहर के देगलू नाका इलाके में हैदराबाद नंबर एक पेट्रोल पंप के सामने अल खसवा टूर्स एंड ट्रैवल्स का इफ्तिताह अमल में आया। ये इफ्तिताही तकरीब में मुफ्ती विखायतुल्ला खासमी और मौलाना अशफाक ने खैर व आफियत के लिए दुआ फरमाई। इस इफ्तिताही तकरीब में मेहमानान खुसूसी की हैसियत से साबिका कारपोरेटर मसूद अहमद खान, साबिका कारपोरेटर सैयद शेर अली, मुफ्ती रिजवान, साबिका कारपोरेटर रहीम अहमद खान, रफीक पठान, इरशाद अहमद बशारत के अलावा सियासी समाजी मजहबी शख्सियात ने शिरकत दर्ज की और अल खसवा टूर्स एंड ट्रैवल्स के प्रोपराइटर असरार अहमद खान, मोहम्मद जावेद, शेख अकबर को मुबारकबाद पेश की। अल खसवा टूर्स एंड ट्रैवल्स की खसूसियात उमरा वीज़ा, एयर टिकट, खाना, ट्रांसपोर्टेशन, मक्का वो मदीने के मुक़दस मुकामात की ज़्यारत, सीट ऑफ बैग, थ्री स्टार होटल, रिहाइश हरम के करीब की सहूलत है। वादे हो के अल खसवा टूर्स एंड ट्रैवल्स का पहला काफिला रमज़ान अल मुबारक में रवाना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 1 जनवरी को यहाँ पर एक नए साल के मौके पर आगाज़ किया गया है और 8 जुमादल उखरा है। ये महीना रमज़ान शरीफ के महीने से बहुत करीब आ चुका है। अब यहाँ पर एक नए चीज़ की इब्तदा की जा रही है, अल कस्वा टूर्स एंड ट्रैवल्स, यानी हज और उम्रे के लिए अल्हम्दुलिल्लाह इसकी शुरुआत की जा रही है। बड़ी खुशी की बात है। हलाल रोज़ी के लिए अल्लाह तबारक तआला ने बहुत सारे दरवाज़े रखे हैं और उनसे रिस्क हासिल करने का हुक्म दिया गया है। जब हम दुनिया में यहाँ पर आए तो हमारे लिए ज़रूरी है कि ज़िंदगी भर अपनी ज़रूरियात को पूरी की जाए। अपने साथ अपने अहलोयाल हैं, अपने वालिदैन हैं, बीवी बच्चे हैं और अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, तो उन पर खर्च करने के लिए इंसान को कोई ना कोई ज़रिया इख्तियार करना पड़ता है। सबसे बेहतरीन ज़रिया हलाल और जायज़ रोज़ी का तिजारत इसको करार दिया गया है। रब्बुल इज़्ज़त ने यह भी पैदा फरमाया कि लोग हज और उमरे के लिए हमारे अहबाब को लेकर जाते हैं, अपने शहर से हो, अतराफ अकनाफ से लेकर जाते हैं। इसी बहाने से उनका भी ख़ुद का यानी हज हो जाता है, उमरा हो जाता है। बार बार रोज़े मुबारक पर हाज़िरी की सआदत नसीब हो जाती है, बैतुल्ला शिफ जाना होता है। इसी के साथ साथ इस बात को भी जहन में रखना चाहिए कि जिस तरीके से हम बोल रहे हैं तो वैसे हमें तोलना भी चाहिए। हमारे कौल और फेल के अंदर तजाद नहीं होना चाहिए बल्कि इंसानियत होनी चाहिए। मसलन हमने उनसे कहा, ले जाने वालों से हमने कहा कि हमारी बिल्डिंग इतनी करीब है और इतने इतने मीटर का फासला है, वाक़ियतन अगर उसको नाप के देखा जाए तो उससे कम मिलना चाहिए, ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। अल खसवा टूर का इफ्तिताह मौलाना इखातुल्लाह साहब के हाथों से उद्घाटन में आया है। अल खसवा टूर की इफ्तिताह हुई है, इसमें मौलाना ने बताया है कि इसमें क्या क्या अपने को जो जवान करे वो करना, और वो क्योंकि अगर वो चीज़ नहीं करे तो वो बाद में लोग आके उसके बारे में कुछ भी कोई अच्छा बोलता, कोई खामोश बढ़ता, कोई नहीं बोलता। इस वास्ते ये अपने को ध्यान रखना चाहिए कि अपने जो जबान की है वो जबान के ऊपर चलना चाहिए। तो मैं सिर्फ दुआ करता हूँ कि अल खसवा टूर अच्छा चले और लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचे। और मैं हमारे दोस्त को मुबारकबाद देता हूँ बाबा को कि वो अपने टूर को अच्छी तरह चलाइए और लोगों को जो जबान दिए वो जबान के ऊपर कायम रहिए। आज अल खसवा टूर्स एंड ट्रैवल्स का इफ्तिताह अमल में आया है। आज इस मौके पर हमारे दोस्त जो इसके प्रोपराइटर है जनाब असरार अहमद खान, जिनको बाबा भाई के नाम से जाना जाता है, वो इससे पहले सऊदीया में कई साल गुजारे हैं, वहाँ पर उनका तजुर्बा है। और इस ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह जो कुछ भी लोग जो कोई भी यहाँ से मतलब टूर्स पर जाएंगे इंशाअल्लाह उनको बहुत काफ़ी सहूलत होगी, उनकी जो तजुर्बा है तजुर्बे का उनको फ़ायदा मिलेगा। इस टूर्स एंड ट्रैवल्स के ज़रिए मक्का मदीने की ज़्यारत का नज़्म रखा गया है, उसके साथ साथ उमरा का भी ये मतलब नज़्म रख रहे हैं बहुत ही कम और वाजिबी दामों पर। और इंशाअल्लाह सहूलियत बहुत ही अच्छी, 3 स्टार की सहूलियत वगैरह वहाँ पर पहुँचाने की वो कोशिश करेंगे।
चूँकि ये सऊदी अरब में कई साल गुजार चुके हैं, इसलिए वहाँ के जो कुछ भी सही अच्छे जो चीज़ें हैं उस ताल्लुक से वो जानते हैं। इसका भरपूर फ़ायदा जो लोग इस टूर से जाएंगे उनको मिलेगा। तो मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि जो लोग टूर्स के ज़रिए मक्का मदीना जाना चाहते हैं उम्रे वगैरह को, तो इस टूर्स एंड ट्रैवल्स का फ़ायदा उठाएं। और हमारे दोस्त बाबा भाई को मुबारकबाद पेश करता हूं और इंशाल्लाह ये उम्मीद करता हूं कि माजी में दूसरे जो लोग जो धोखाधड़ी के जो केसेस हो रहे थे, तो यहाँ पर कोई ऐसा धोखा नहीं होगा, क्योंकि मैं इनको अच्छी तरह जानता हूँ। इंशाल्लाह ये बिल्कुल बग़ैर किसी धोखे के, बग़ैर किसी मतलब तकलीफ़ के लोगों को टूर्स की सहूलत बहन पहुँचाएँगे। अल खसवा टूर्स एंड हज ट्रैवल्स आज चालू हुआ है। मैं हमारे इसरार अहमद उर्फ बाबा इनको और उनके दोस्त जई साहब को मुबारकबाद देता हूँ, साथ में हमारे अकबर भाई भी है, उन सभी को मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि भाई कि ये अल खसवा जो टूर्स ट्रैवल्स उन्होंने चालू किया है, अल्लाह इसे कामयाबी अता फरमाए। और आप लोगों से भी अपील करता हूँ, ये भरोसेमंद टूर्स है, आप बिल्कुल आप यहाँ आकर इसका फ़ायदा उठाएं। आपसे हम अपील करते हैं अवाम से कि ये अल खसवा जो टूर ट्रैवल्स है भरोसेमंद है, आप इसमें आइए और इनको खिदमत करने का मौका दीजिए। इंशाल्लाह आपको हर सहूलियत से आपको इन आरस्ता करेंगे और आपको इसमें आपको आगे मदद करेंगे। हमें ख्वातीन और औरतों के दिगर अमराज बांझपन के इलाज के लिए फैमिली प्लानिंग की मशवरात के लिए बेहतरीन आलात की सहूलत में नॉर्मल और ऑपरेशन से बच्चों की पैदाइश के लिए और जदगी के साथ साथ औरतों के दिगर अमराज के इलाज के लिए खुसूसी नज़्म केरला के मल्टी स्पेशलिटी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के तजुर्बेकार डॉक्टर खान सारा नुदरत मावीन मैटरनिटी एंड नर्सिंग होम चावलवाला कॉम्प्लेक्स SBI बैंक के ऊपर देगलू नाका नांदेड़। हमारे यहाँ फर्नीचर पलंग सिंगारदान सोफा सेट अलमारी डाइनिंग टेबल कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। प्रोपराइटर मौलाना मोहम्मद शबीर अहमद साहब डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस फ्रूट मार्केट के सामने माल्टीगिरी रोड कामठा नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए देखते रहे नांदेड़ उर्दू न्यूज, और न्यूज के पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।